हेलो दोस्तों, तो हम थर्मोडायनेमिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं भाई। समाया एक बार आप थर्मोडायनेमिक्स और कोऑर्डिनेशन के नोट्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए भाई, ठीक हो गया। और अब जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। समाया हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। समाया पहले इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते थे भाई, ठीक हो गया। अब लगभग लगभग 1 और 2 क्वेश्चनों में ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक हो गया। तो इस चैप्टर को मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा भाई समाया, ताकि आपका एक बेसिक्स बन जाए और कोऑर्डिनेशन में जो सेंट्रल मेटल एटम आता है उसको भी आप सही से याद कर पाए भाई, ठीक हो गया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। सिलेबस अगर आपको पता है भाई, आपको पता है कि क्या पढ़ना है, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समाया। क्योंकि क्योंकि हम वो चीजें पढ़ते हैं जो चीज हमें नहीं पढ़नी है, और उसमें टाइम क्या करता है, वेस्ट करता है समाया। देखो भाई, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मुझे जीके पढ़नी है, ठीक हो गया। मैंने सारी जीके पढ़ी, अब मुझे क्रिकेट की जीके पढ़नी थी, ठीक हो गया। तो क्रिकेट में मैंने ये पढ़ा, अच्छा सचिन ने इतने रन मारे, इस ग्राउंड में इसने इतने रन मारे, इस ग्राउंड में इसने इतने रन मारे समाया। लेकिन ये जीके का पार्ट है ही नहीं कि किसने कितने रन मारे, किसने कितने रन मारे, किसने कितने रन मारे समाया, ठीक हो गया। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये वेस्टेज पढ़ रहे थे, ठीक हो गया भाई। तो हमें ये नहीं करना है। तो इससे पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस देखना है, उस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आ क्या क्या रहा है भाई, ठीक हो गया। तो देखो सिलेबस के लिए, देखो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा समाया भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात करता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट की, डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक हो गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट समाया। व्हाट इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं समाया, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समाया। दूसरा है व्हाट इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री, जनरल ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री समाया, जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो भाई, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जनरल ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री का मतलब है क्या समाया भाई। तो जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री का मतलब मैं आपको समझा देता हूं भाई समाया, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की, कि 3D एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो 3D एलिमेंट्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है समाया। ये जो फर्स्ट रो एलिमेंट बोला है ना, फर्स्ट रो एलिमेंट्स का मतलब ही होता है ये 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा है भाई समाया। मैं बताऊंगा आपको, अब चिंता मत करो भाई, मैं बताऊंगा आपको कि 3D सीरीज एलिमेंट क्या होता है, 4D क्या होता है, 5D क्या होता है, बस मेरे साथ चलते रहो भाई, चलते रहो समाया। देन उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की समाया। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की, इसको छोड़ देते हैं। बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की समाया। बात करेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी की, कैटालिटिक एक्टिविटी समाया भाई। और हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी समाया। ये मैंने आप लोगों को बड़ी बहुत अच्छी तरह से बताया भाई समाया, बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन में मैंने समझा रखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं समाया। फिर हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की समाया। ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की समाया, लेकिन एक बार आपको अच्छे से करवा दूंगा मैं यहाँ पे भी
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सामने आया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस इसकी, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस सामने आया भाई, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। और लास्ट इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत पूछा जाता है भाई ये टॉपिक, सामने आया इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स सामने आया, और एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। ये तो तुम्हारा आता है जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री में सामने आया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट सामने आया भाई। फिर हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री सामने आया। केवल हम बात करेंगे फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सामने आया, सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ मैं नहीं जाऊंगा सामने आया भाई। देन जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री का मतलब हम बात करेंगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई, कैटालिटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स और एलॉय फॉर्मेशन। समझ आया भाई, इतना मुझे पता चल गया, ठीक हो गया। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है भाई, समझ आया। वो कंपाउंड्स क्या है, जैसे K2Cr2O7 समझ आया, और KMnO4, ठीक हो गया। इन कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज और इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे भाई, समझ आया। क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन और, प्रिपरेशन और क्या पढ़ेंगे भाई, प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, समझाया भाई। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म, समझाया भाई। मुझे पूरा सिलेबस पता चल गया कि मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, समझाया। बहुत जरूरी है कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है भाई, ठीक हो गया भाई। देखो अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, किसकी बात करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स समझ भाई। बचपन से पता है भाई मुझे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज होती है, एक होता है लैंथेनाइड, लैंथेनाइड्स, और दूसरी सीरीज होती है इसकी एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स समझ भाई। इन दोनों का हमें क्या पढ़ना है, इन दोनों का हमें पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ना है भाई, इंट्रोडक्शन समझाया। लैंथेनाइड होते क्या है और एक्टिनाइड होते क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। देन उसके बाद मुझे पढ़ना है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ओएस भी बोलते हैं, ठीक हो गया भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे क्या हो गया, पता चल गई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देन मैं बात करूंगा लैंथेनाइड में होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन समय, और एक्टिनाइड्स में होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रेक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रेक्शन समय भाई, कॉन्ट्रेक्शन। और लास्ट मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा इन दोनों के कंपैरिजन की, किसकी, इन दोनों के कंपैरिजन की समय भाई। तो पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या आना है भाई, समाया। याद रखना मोस्टली इस चैप्टर के मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, समाया। ये धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो गए हैं, आजकल ये 2 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है भाई, बहुत अच्छी तरह से, समाया। तो देखो भाई, तो देखो शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को निपटाने की सोचते हैं। देखो भाई ये है हमारी प्यारी पीरियोडिक टेबल, समाया भाई। ये पीरियोडिक टेबल ही हमारी केमिस्ट्री की जान है, ये पीरियोडिक टेबल ही हमारी केमिस्ट्री की क्या है भाई, जान है, जान है, ठीक हो गया भाई। तो देखो देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है 1913 में डिस्कवर हुई थी, समाया। और इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था हेनरी मोजले ने, समाया भाई, हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने, ठीक हो गया भाई। और याद रखना, याद रखना जो हेनरी मोजले थे, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं पीरियोडिक टेबल की। हेनरी मोजले जो थे वो इंग्लिश, इंग्लिश फिजिशियस थे, क्या थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट, समय, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। अरे भाई आप लोगों को लग रहा होगा ये फिजिसिस्ट है, ये क्या है, फिजिसिस्ट है, और बात हम किसकी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की, बात किसकी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की, समाया। तो याद रखना सारी चीजें पहले फिजिक्स में आई, समय फिजिक्स में आई,
और फिर उनका कुछ पार्ट किसने ले लिया है, केमिस्ट्री ने, अपनी चीजों को समझने के लिए केमिस्ट्री ने ले लिया है। समाया, अरे भाई ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया, ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है कि फिजिक्स से ही केमिस्ट्री निकला है। समाया, ये तो आपने बड़ी छोटी बात कर दी, लेकिन देखो देखो अगर मैं बात करता हूं एक्सरे की, तो एक्सरे में जो WL ब्रैग और WH ब्रैग थे भाई, समाया, वो किसके थे, वो भी तो फिजिक्स के थे। समाया, फिर उनकी ब्रैग इक्वेशन हमने अपने क्रिस्टल्स को डिफाइन करने के लिए ली। समाया, बात करवाई थी CFT की। समाया, किसकी करवाई थी, CFT की। समाया, जो वी बैथ और एच ब्लैक थे भाई, वो भी फिजिसियस थे। समाया, CFT पहले फिजिक्स में सॉलिड्स को समझाने के लिए लाई गई, फिर उसके बाद उसे केमिस्ट्री की चीजों पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। समाया भाई, समाया, तो व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स से आया हुआ एक छोटा सा क्या है, सब्जेक्ट है। समाया भाई, समझ में आया, समाया, तो इसलिए ये फिजिसियस है, इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी भाई। समाया, तो केमिस्ट्री कहां से निकली है, केमिस्ट्री निकली है फिजिक्स से। ओ माय गॉड, ये आपने क्या बता दिया। देखो देखो अब देखना, देखो पीरियोडिक टेबल इस फॉर्मेट में है। समाया भाई, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, ठीक हो गया भाई, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट, ठीक हो गया भाई। तो देखो देखो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले, ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। बहुत प्यारी बात और बहुत छोटी बात बता रहा हूँ भाई, ठीक हो गया। ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो हिस्सा है इन मिडल, समाया भाई, ये हिस्सा जो है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक हो गया। और ये जो नीचे कर रखा है एकदम, ये जो नीचे एकदम अलग भेज रखा है, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। समाया भाई, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, समाया, पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो दो ग्रुप हैं, ये वाले जो दो ग्रुप हैं, समाया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक हो गया भाई। ऊपर जो नेमिंग दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, समाया, ये एक मॉडर्न वे है, क्या है, एक मॉडर्न वे है ग्रुप्स को डिस्क्राइब करने का। देखो भाई, मॉडर्न वे में समाया, किसकी बात कर रहा हूँ, मॉडर्न वे में, बहुत ध्यान से देखना भाई। अगर मॉडर्न वे की बात कर रहा हूं तो जो ग्रुप नंबर है उसको 1, 2, 3 करके और कहां तक दिया जाता है, 18 तक दिया जाता है, समाया। लेकिन अगर मैं ओल्ड की बात करूं, पुराने में, समाया, तो पुराने में क्या दिया जाता था, जैसे फर्स्ट ए, फिर क्या आता था, सेकंड ए, फिर क्या आता है, थर्ड बी, और बी कहां तक आता है भाई, याद रखना, एट्थ बी, फिर उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट बी, फिर उसके बाद क्या आता है, सेकेंड बी, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है थर्ड ए, समाया। और ये जो एंड होता है वो कहां तक होता है, सेवंथ ए तक, समाया भाई। अब कैसे भाई, कैसे, देखो यहां पे दिया है ये फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, समाया, ये क्या है, सेकेंड ए, ये क्या है, थर्ड बी, फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, समाया। और एट्थ, नाइन्थ और टेंथ वालों के लिए क्या बोल दिया है, इसके लिए बोल दिया है एट्थ बी, समाया, एट्थ बी, उसके बाद आया फर्स्ट बी और ये है सेकंड बी, समाया। फिर स्टार्ट हुआ थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ ए, समाया। कुछ नोटिस किया भाई, कुछ नोटिस किया, अरे भाई कुछ नोटिस कर लो भाई, कर लो, समाया। क्या नोटिस किया हमने, एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट थे उसके पीछे ए लिखा हुआ था, समाया। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके लिए क्या लिखा गया है, बी, समाया। ये कैसे दिया, ये कैसे दिया भाई, समाया, ये तो बिल्कुल जादू है, जादू है। तो देखो देखो कैसे दिया, याद रखना, ये दिया ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, किसके बिहाव पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाव पे। ये तो गजब बात है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाव पे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए कैसे दिया, समाया। तो देखो बहुत ध्यान से देखना भाई कैसे दिया, देखो कैसे दिया, देखो जो ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये प्लस वन होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेकंड वालों का प्लस टू होता है मैक्सिमम, समाया। अगर मैं ये थर्ड बी वालों की बात करता हूं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होता है, प्लस थ्री, समाया। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस एट से ज्यादा संभव नहीं है यहाँ पे, समाया भाई, ठीक हो गया। याद रखना भाई, जो ये एट्थ, नाइन्थ और टेंथ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, समझ में आया भाई। तो देखो
तो देखो भाई एक बार दोबारा देख लो, जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे वो प्लस वन, सेकेंड वाले क्या दिखाते हैं प्लस टू, थर्ड वाले क्या दिखाते हैं मैक्सिमम प्लस थ्री, ये कितना दिखाते हैं प्लस फोर, मैक्सिमम ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ये मैक्सिमम प्लस सिक्स दिखा सकता है, ये मैक्सिमम प्लस सेवन दिखा सकता है। समय भाई जो पुराने ए और बी नोटेशन यूज किए गए हैं समय उसको डिस्क्राइब करवा रहा हूं कि कैसे किया गया था। देखो जो एट नाइन और टेन है समाया ये क्या दिखाते हैं प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये जो इलेवंथ वाला है यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है समाया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखना थर्टीन वाले में जो है ये कितना है, ये जो थर्टीन वाला है समाया उसको क्या बोला है थ्री ए बोलते हैं, इट मीन्स इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ये प्लस थ्री होता है, ये कितना होता है प्लस फोर, ये वाला प्लस फाइव, ये प्लस सिक्स, प्लस सेवन, प्लस सेवन, और ये मैक्सिमम प्लस एट दिखा सकता है समय, क्या दिखा सकता है प्लस एट, सारे एलिमेंट छोड़ सकता है लेकिन ये जीरो ग्रुप एलिमेंट है रे, ये प्लस एट कैसे दिखा सकता है, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट है समय, इसको छोड़ दो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं समय भाई। तो देखो एक रूल आया कि जो हमारा ग्रुप वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ग्रुप वैल्यू नेवर एग्जिट ओवर द ऑक्सीडेशन नंबर समय भाई, जो ग्रुप वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन है, इसलिए इसे फर्स्ट ए बोल दिया है, सेकंड वाले को क्या बोल दिया है सेकंड ए बोल दिया है समाया। याद रखना एस और पी वालों के लिए ए रखा गया है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या रखा गया बी रखा गया है, ठीक हो गया भाई। अब हम बात करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री थी समाया, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया गया थर्ड, और ये याद रखना डी से थे तो इनको क्या बोला गया है बी, फिर ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, सेवन्थ आ गया समाया। एट्थ नाइन्थ टेंथ जो थे ये मैक्सिमम प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं समाया भाई, याद रखना। तो मैं इसे एट्थ भी, इसको नाइन्थ भी और इसको टेंथ भी नहीं लिख सकता, मैंने क्या बोला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होगी उतना ही ग्रुप वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई प्लस एट है, इसलिए एट्थ नाइन्थ और टेंथ को क्या बोलते हैं एट्थ भी बोलते हैं समाया। जो इलेवंथ और ट्वेल्थ वाला है भाई, इलेवंथ और ट्वेल्थ वाला जो है, इलेवंथ और ट्वेल्थ वाला जो ग्रुप है ये मैक्सिमम इलेवंथ वाला प्लस वन दिखाता है और ट्वेल्थ वाला प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है समाया, इसलिए इसे क्या दिखाते हैं फर्स्ट बी और सेकेंड बी दिखाते हैं, ठीक हो गया। फिर इनके लिए क्या आएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, और लास्ट वाले को एट्थ ए बोलते हैं समाया। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है हम जीरो मानते हैं, नोबल मानते हैं, मानते नोबल है, ये है नोबल नहीं भाई, मानते हैं इसे नोबल। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया क्लियर कर दिया समाया भाई। याद रखो नोट करके लिखो, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब क्यों बोलते हैं जब मैं एस और पी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए भाई, सब चीज हम कवर कर लेंगे भाई, ठीक हो गया। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ भाई, एक बात देखो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई उनको हम क्या बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल रहे हैं समाया। क्यों बोल रहे हैं ये मैं बताऊंगा बाद में। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं समाया। ट्रांजिशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व समाया। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगा समाया, पूरे एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक जब मैं पढ़ाऊंगा समाया भाई, आपको बताऊंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं भाई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक हो गया। देखो
एक गजब की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, गजब की बात बताने वाला हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है सामाया, इसके बाहर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये मुझे पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं इस गोले को सामाया। ये गोला हम कहाँ से सीखते आ रहे हैं? बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक हो गया भाई। ये है सेल्स, ठीक हो गया। जो बाहर वाला सेल होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट, क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल सामाया भाई। उसका जो एक थोड़ा अंदर वाला है, एक अंदर वाला, उसको बोलता है पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल सामाया। और उसके और जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल सामाया भाई। बहुत ध्यान से याद रखना, जो बाहर वाला सेल है उसको बोलते हैं आउटर सेल, जो एक अंदर है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, उसके एक और अंदर है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल सामाया भाई। अब देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं सामाया। उस ट्रांजिशन एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व सामाया भाई। और एक बीमारी भी होती है, संक्रमण बीमारियां जिसको बोलते हैं, मतलब जो एक से दूसरे को फैलती है। तो देखो देखो देखो, कहानी कहानी सुनो भाई, कहानी, एक पिक्चर अज्यूम करो, गदर टू अज्यूम नहीं करनी है, पिक्चर अज्यूम करो, पिक्चर। मैं यहाँ पे, एक आदमी है मेरे पास भाई यहाँ पे, ठीक हो गया, और ये दूसरा आदमी है, ठीक हो गया। याद रखना, इसको हो रखा था खांसी जुकाम वगैरह सामाया, इसने छींके स्टार्ट की सामाया भाई, तो क्या हुआ, यहां से बैक्टीरिया जनरेट हुआ और ये इसके मतलब मुंह से डायरेक्ट इसकी बॉडी में एंटर कर गया सामाया। तो इस तरह की बीमारियां जो होती है हिंदी में उसको बोलते हैं संक्रमण, संक्रमण टाइप की बीमारियां सामाया, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, अगर मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है सामाया, तो उसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो वो आउटर मोस्ट सेल में ना जाकर के उसके अंदर वाले सेल में जाता है सामाया। जैसे ये बीमारी गई सामाया, आदमी की स्किन से नहीं हुई ये बीमारी, कहां हुई? जब ये आदमी के अंदर, ये बैक्टीरिया आदमी के अंदर घुस गया सामाया, संक्रमण जिसको बोलते हैं। तो सिमिलरली, सिमिलरली यहां पे याद रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल से एक अंदर वाली सेल में आता है। कैसे आता है? कैसे? सर एक एग्जांपल दे दीजिए भाई, कैसा आता है ऐसा? तो देखो, एग्जांपल आप लोगों के लिए रेडी है, एग्जांपल आप लोगों के लिए रेडी है सामाया। एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं स्कैंडियम का। सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, जेड इज इक्वल्स टू कितना? 21। बहुत प्यारा, देखो लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s, 3d और 4s। बताओ भाई, बताओ कितने हो गए? 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18 और 2 20, कितना बचा? एक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? डी में आ रहा है सामाया। अगर मैं इसको n मानता हूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? n-1 सामाया। अगर ये 4 है तो 4-1 यानी कि ये 3d में भर रहा है सामाया भाई। तो देखो, बीमारी की तरह है, बीमारी की तरह है, कहां जा रहा है? बाहर से आदमी के शरीर में इंटर कर रहा है वो बैक्टीरिया। सिमिलरली, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहां बाहर से अंदर वाली सेल में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। इसलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन बोलते क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया है भाई सामाया। तो याद रखना भाई, अगर ये सेल एन है तो ये वाली सेल एन माइनस वन है और ये वाली सेल एन माइनस क्या है? टू है। एन माइनस क्या है? टू है, ठीक हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं, ठीक हो गया, मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट को बोल दिया कि इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो, अब सर आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट को नहीं बताया। अरे भाई, जब एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को बता दूंगा कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं सामाया, क्यों बोलते हैं। तो देखो, अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है भाई, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन सामाया? पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बहुत प्यार से देखना भाई, बहुत प्यार से,
इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सीरीज ठीक हो गया भाई। थर्ड वाला जो है उसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कितना प्यार से याद कर पा रहे हैं ना? हाँ भाई हाँ, इनके नाम याद करने बहुत जरूरी है। समाया इनके नाम नहीं, इनके अंदर जो एलिमेंट है उनके नाम। तुम तो बिल्कुल अपनी ही कहानी बनाए बैठे हो भाई। अगला बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। समाया खत्म खत्म भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट को इतने ही ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में बांटा गया है भाई। समाया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मींस जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है। समाया सेकेंड का मतलब जिसमें 4d में जाता है। थर्ड का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5d में जाता है। अब फोर्थ का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 6d में जाता है। समाया याद रखना याद रखना याद रखना भाई याद। क्या रखना है? याद रखना है ये जो आपको दिख रहे हैं 21 से लेकर के 30 तक, इनको बोलते हैं 3d ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट फर्स्ट। समाया दूसरा ये है भाई, समाया 39 से लेकर के 48 तक, इनको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। समाया भाई लेंथेनम LA, इनको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। समाया 57 से लेकर के कहां तक? 80 तक। और याद रखना ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। समाया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तक आपको सब याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए भाई। समाया फोर्थ वाले क्यों नहीं करनी भाई, क्यों नहीं करनी है? अरे भाई वो रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिव है, उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। समाया नेचर में आएंगे ना तो गोल हो जाएंगे। समाया नेचर में आएंगे तो खुद ही क्या हो जाएंगे? डिके करते रहेंगे, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। समाया तो इसलिए फोर्थ वाले को याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है? 3d में, सेकेंड में 4d में, थर्ड में 5d में, और इसमें किस में जाता है? 6d में। याद किसको करना है? याद करना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, सिक्स्थ को क्यों नहीं करना? रेडियो एक्टिव है। क्या है भाई? रेडियो एक्टिव है। समाया तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको ये जो 3d 4d और 5d और 6d ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है भाई समाया, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रटा दूंगा भाई, रटा दूंगा समाया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।